बालाघाट में सीएम राइज स्कूल के लिए पालकों एवं पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में प्रवेश प्रक्रिया संपन्न हुई। इस दौरान प्रवेश के लिए लॉटरी सिस्टम से बच्चों का चयन किया गया। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार बालाघाट के सीएम राइज शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए समस्त पालकों से विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे। नवीन शैक्षणिक सत्र में प्रवेश प्रक्रिया की सूचना सीएम राइज प्राचार्य के द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी, जिसका शुक्रवार को छोटे बच्चों के द्वारा लॉटरी के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न की गई। सीएम राइज स्कूल शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट में कल प्रवेश हेतु लॉटरी का आयोजन किया गया था। दिनांक 15 फरवरी तक हमने आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे और लोक शिक्षण संचालनालय के जो निर्देश थे उसके अनुसार निर्धारित सीट से अगर ज़्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो लॉटरी के माध्यम से प्रवेश दिया जाना था। तो हमारे पास में एक्चुअल में KG-1 KG-2 और कक्षा एक के लिए 30-30 सीट निर्धारित थी, जिसमें KG-1 में हमको 111 आवेदन प्राप्त हुए थे, KG-2 में 84 और पहली में 22 आवेदन प्राप्त हुए थे। बाकी शेष कक्षाओं में कुछ रिक्तियां हमारे पास थी तो उसमें उसके लिए भी हमने आवेदन आमंत्रित किए थे। क्लास सेकंड के लिए 18 बच्चे ले सकते थे हम, थर्ड के लिए 13, फोर्थ के लिए 12, फिफ्थ क्लास के लिए 18 और सिक्स के लिए 11। तो इसलिए इसमें सभी कक्षाओं में अधिक आवेदन आने के कारण कल हमने लॉटरी किया और लॉटरी के माध्यम से निर्धारित सीटों पर हमने बच्चों का चयन कर लिया। साथ ही हमने 10-10 हर कक्षाओं में प्रतीक्षा सूची भी जारी की है, उनके लिए भी लॉटरी के माध्यम से ही क्रम से हमने सभी पालकगणों के और हमारे पर्यवेक्षक आए हुए थे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से, उनके सामने एक प्रक्रिया पूर्ण की है। हमने इसके लिए 22 तारीख तक हमने जिन लोगों का चयन हुआ है वे 22 तारीख तक डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे और उसके बाद अगर वो 22 तारीख तक नहीं आ पाते हैं तो फिर प्रतीक्षा सूची से उसके बाद जो प्रवेश है वो दिया जाएगा। 28 फरवरी तक हम ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर देंगे, ये निर्देश हैं हमारे। हाँ, ये हमारे को 15 किलोमीटर से कम दूरी वाले ही बच्चों को लेना है, क्योंकि हमारे सीएम राइज के अंतर्गत बस सुविधा उपलब्ध कराई जानी है और उसके लिए एक सीमा, दूरी की सीमा निर्धारित है। हाँ, चयनित बच्चों से इस समय हम जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं और आधार कार्ड मांग रहे हैं और समग्र ID मांग रहे हैं, और इसके बाद जो बच्चे किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ से वो परीक्षा उपरांत अपनी TC लेके आएंगे और परीक्षा फल की अंक सूची लेके आएंगे। हाँ हाँ, अप्रैल निर्धारित जो है, ऐसे निर्देश जो भी आते हैं संभावित तो 1 अप्रैल से है, पर उसके बाद जैसे निर्देश आएंगे लोक शिक्षण से वैसे ही हम लोग कार्रवाई करेंगे। बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट।